अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बेहद खुश होंगे। जी, तो आज की जो रेसिपी है इसमें हम बनाएंगे खट्टे पानी के चटपट से पकौड़े। बनाना भी बहुत आसान है और आप इस मौसम में इसे एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले पकौड़े बनाएंगे, तो उसके लिए क्या लिया है, एक बाउल लिया है। इसमें बेसन ऐड करेंगे, 100 ग्राम ये बेसन है, इसको ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से छान लिया है और उसके बाद ये ऐड कर दिया है। ठीक है जी, अब इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें डिफरेंट जो है वो स्पाइसेस को ऐड करेंगे ताकि बेसन के जो पकौड़े हैं उनमें फ्लेवर हो। तो यहाँ पे मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून ही बेकिंग सोडा है, इसके साथ 1/2 टीस्पून ही गर्म मसाला और 1 टीस्पून नमक। तो ये सभी अज्जा ऐड कर दिए हैं। अब इसे क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। याद रहे बाकी सब अज्जा जो थे वो 1/2 टीस्पून थे, जस्ट जो नमक था वो 1 टीस्पून था। अच्छा जी, अब इसे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक साथ एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना, आपने स्टार्टिंग पे कम ऐड करना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर मज़ीद पानी ऐड करना है अगर ज़रूरत फील हो। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप पानी यूज़ किया था, और पानी यूज़ करने के बाद ये इसकी फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से विस्क करना है, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप जो है वो हैंड विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करें। जी, तो आप ये चेक कर सकते हैं, इसमें एयर जो है वो क्रिएट हो गई है, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के लिए। अच्छा जी, ये आप चेक कर लें। अब इसे क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे और खट्टे पानी का प्रोसेस देख लेते हैं। जी, तो खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें तकरीबन 2 लीटर में पानी यूज़ करूँगी। तो आप वो देख लें जिस हिसाब से नेक्स्ट जो है वो आप पानी बनाना चाहते हैं, खट्टा पानी आप उस हिसाब से देख लें, लेकिन जो अज्जा है वो मैं 2 लीटर के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी। तो ये बाउल में 2 लीटर पानी ऐड कर लिया है मैंने। अब नेक्स्ट इसमें 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, एंड 1 टेबल स्पून ही चीनी है। तो ये ऐड कर देंगे। चीनी का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि ये जो है वो खटास को ज़रा बैलेंस कर देगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये ऐड कर दिया है। अब इसके साथ नेक्स्ट जो है इसमें ये ग्रीन पानी है, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और पुदीने के पत्तियाँ ली थी, 10 से 12 अदद, उनको अच्छे से मैंने जो है वो अच्छे से जो है वो पीस लिया और ये ऐड कर दिए। तो अच्छा जी, अब ये ऐड कर दिए। इसके साथ नेक्स्ट जो है इसमें मज़ीद थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर ऐड करने के लिए आप टार्टरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून, और अगर वो नहीं है तो आप इमली का पल्प, ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 चम्मच इमली का पल्प है, ये भी ऐड कर दिया है। ठीक है जी, तो अब इसे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपने क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जो चीनी है, नमक है, और इसके साथ नेक्स्ट जो हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसे साइड पर रख देंगे। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं, जो बेसन था उसको रखे, तो ये देखें ज़रा किस कदर ज़बरदस्त हमारा पेस्ट जो है वो हमारा तैयार है। अब इसे क्या करेंगे, एक चम्मच की बेस पे गरम ऑयल में ऐड करना शुरू कर देंगे। और एक बात आपने याद रखनी है, ऑयल गरम हो, ठीक है, लेकिन जब आप इसे फ्राई करें, मतलब ये आप पकौड़ी जो है वो ऐड करें पकौड़े, तो उस टाइम पर फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है जी, तो तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए आपने क्या करना है, इसे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं ना करें, क्योंकि अगर हाई फ्लेम होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे होंगे। जी, तो तकरीबन 10 मिनट तक इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। ये है जी लुक। अब इसे क्या कर लेंगे, मैं एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं किस कदर ज़बरदस्ती ये पकौड़ियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हुई हैं, तो किस कदर ज़बरदस्ती ये फूली हैं। और बेकिंग सोडा जो है उसका इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि उसी के बेस पे जो है वो फूलेंगी, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना वो भी बेहद ज़रूरी है ताकि इसमें एयर क्रिएट हो। अच्छा जी, तो अगर आप जो है वो चम्मच की बेस पे नहीं करना चाहते तो आप हाथ की बेस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ऐड कर रही हूँ। और मुझे सबसे इजी वे यही लगता है, चम्मच की बेस पे जो है वो मुझसे इजीली ऐड नहीं होती, तो मैं हाथ की बेस पे कर लेती हूँ आसानी से। बस थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ती है, आप थोड़ी सी क्वान्टिटी हाथ में लें और फिर उसको नेक्स्ट जो है वो ऐड कर दें, लेकिन ऑयल से थोड़ा सा बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है और हाथ जलने का ख़तरा होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो चम्मच की बेस पे ही ऐड करें, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है इस चीज़ की और आपको आइडिया है कि किस तरह ऐड करते हैं, तो आप हाथ की बेस पे भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखें जी किस कदर ज़बरदस्त सी पकौड़ियाँ जो है वो हमारी तैयार हो रही हैं। तो बस इसी तरह आप ऐड करते जाएं और उसके बाद 10 मिनट तक इसे फ्राई करें लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो ये तैयार हो जाएंगी जी। तो 10 मिनट फ्राई करने के बाद जो है हमारी पकौड़ियाँ तैयार हैं। अब गरम गरम जो पकौड़ियाँ हैं उन्हीं को ही आपने ऐड कर देना है, होने का वेट नहीं करना, गरम गरम ही ऐड कर देना है। और सिंपल पानी में ऐड नहीं करना, आपने ये जो खट्टा पानी है इसी में ही ऐड करना है, ताकि ये जो पकौड़ियाँ हैं उनमें जो वो जो पानी अब्जॉर्ब करेंगी वो भी ये खट्टा पानी ही होगा, तो उन पकौड़ियों के अंदर तक खट्टे पानी का फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप है, इसे नोट कर लें कि आपने सिंपल पानी में नहीं इसे भिगोना, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंपल पानी में पहले भिगो देते हैं और उसके बाद खट्टे पानी में ऐड करते हैं, ऐसा नहीं करना, आपने डायरेक्ट पानी में इसे ऐड कर देना ताकि ये खट्टा पानी ही अब्जॉर्ब करें जी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे एज इट इज़ ही रहने देना है, तो फिर ये इनकी लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैक्सिमम पानी जो है वो क्या कर देंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगी और काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अब इसके टॉप से नेक्स्ट जो है वो अनियन ऐड कर दिया है, इसके साथ नेक्स्ट जो है वो सेव ऐड कर दी है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें करें, नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। मैंने चॉप किए हुए अनियन भी ऐड किए हैं और इसके साथ साथ नेक्स्ट रिंग भी ऐड कर दिए हैं। तो ये है जी फाइनल लुक। होप सो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।